पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा। हमारे साथ इस वक्त है पूरे नॉर्थ कश्मीर के ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद शफी मीर साहब, और हमारे साथ है प्रेसिडेंट पट्टन नसीर अहमद शाह साहब, और यहां पर है प्रेसिडेंट ट्रेडर्स फेडरेशन सोपोर हाजी हशमतुल्ला साहब, और यहां पर है हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला के अवकाश इस्लामिया बारामूला के प्रेसिडेंट मोहतरम नजीर अहमद खान साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गुलाम रसूल नजार साहब यहां पर मौजूद है। हमारा आज यहां एक जगह जमा होने का मुद्दा और मकसद सिर्फ एक ही है, आप सब इस वजह से इस वाक्य से बखूबी वाकिफ हैं कि 5 अगस्त 2019 से यहां लॉकडाउन गवर्नमेंट की तरफ से राइज है। ट्रेडर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एज वेल एज ट्रांसपोर्टर्स हम सब यहां हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं पिछले 3 सालों से। हमारा मुतालबा और मकसद गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचानी है कि हमारे साथ आप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा बैंक करप्ट हम हो रहे हैं, एनपीएस हमारे अकाउंट्स हो रहे हैं, हमारे दुकानों में गोडाउनों में हमारा सारा माल खराब होने जा रहा है और हुआ भी है। उसके साथ साथ जो हमारे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत सारे लोग हैं वो सारे ठप पड़े हैं क्योंकि उनकी लायबिलिटीज पेंडिंग है। यही हमारा यहां मुद्दा और मकसद है आज इकट्ठे आप सबको प्रेस के जरिए आपकी वसादत से ये बात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमारे साथ हम स्टेक होल्डर्स हैं, लॉकडाउन खुद ही जारी किया जा रहा है, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है कि लॉकडाउन को कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे इसको राइज करें। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूंगा, हमारा यहां एक ट्रांसपोर्टर जो पोस्ट ग्रेजुएट है, बैंक से लोन लिया है, उसने गाड़ी खरीदी है अपने आप को चलाने के लिए, अपनी फैमिली को चलाने के लिए, लेकिन डेप्रिसिएशन की वजह से उसकी गाड़ी का आधा कीमत इस वक्त मार्केट में है, मेंटेनेंस कॉस्ट उसको है, बैंक का इंस्टॉलमेंट है, वो कहां से लाएगा, ये हमारा सवाल है। हमारा ट्रेडर्स का मसला यहां पर यह है कि 3 साल से हमारे दुकानों में हमारी मटेरियल्स आउट ऑफ फैशन हो गई है, एक्सपायर हो गई है, खराब हो गई है, और आप हमें झूठा दिलासा देकर आप झूठे प्रोपगंडे करके ये कहते हैं कि हमने जी रिवाइवल आपको दिया, रिहैबिलिटेशन दिया, लेकिन हमें वो रिवाइवल और रिहैबिलिटेशन किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। हमारा यही मुतालबा है कि जितने भी हमारे मसाइल हैं सरकार उन पर संजीदगी से गौर करे और हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं उनको वो मान ले। इस सिलसिले में मैं आप हजरात से एक और गुजारिश भी करूँगा, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर में डेवलपमेंट वर्कर्स जो हैं वो बड़ी हद तक, यह हमारी हालात बहुत ख़राब है, चाहे हम सोपोर टाउन को ले लें, चाहे हम बारामूला ले लें, चाहे हंदवारा ले लें, चाहे कुपवारा ले, चाहे बांडीपोरा ले, चाहे टंगबरंग ले, डेवलपमेंट वर्कर्स नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। हमारे सड़कों की हालत ख़राब है, हमारे कोचों की हालत ख़राब है, हमारा ड्रेनेज सिस्टम नाकारा हो चुका है, और इसके साथ साथ आप सभी हजरात को ये भी मालूम है कि नौगाम से बानिहाल तक जो 4 लाइन का 6 लाइन रोड बना, लेकिन अभी भी नारबल से बारामूला या बारामूला से उड़ी कोई भी काम नहीं हो रहा है। इससे हमारे ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किल है, हमारे लोगों को मुश्किल हैं। हमारा मुतालबा है कि जो नेशनल हाईवे है उस पर भी फूली तौर पर काम शुरू किया जाए। इसके साथ साथ ये हमारा सबका कंसर्न है, बारामूला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बारामूला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहे वो सोपोर के लोग हैं, चाहे वो बांडीपोरा से हैं, चाहे वो कुपवारा से हैं, चाहे वो पटन से हैं या उड़ी से हैं, ये हम सबका कंसर्न है। लेकिन आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि GMC एक ख्वाब था बारामूला के लिए जो शर्मिंदा तबीर हुआ, लेकिन उसमें जितने भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए अभी तक वो हमें नज़र नहीं आ रही है। चूँकि सबसे अहम डिपार्टमेंट होता है मेडिकल में कार्डियोलॉजी नेफ्रोलॉजी, लेकिन अभी भी ये हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं,
ताकि हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत वहाँ पहुँच सके। इस सिलसिले में आज भी हमारे लोगों को श्रीनगर या दूसरे और अस्पतालों में रेफर किया जाता है। हमारा सरकार से मुतालबा है कि GMC में जितने भी फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड किया जाए, अपग्रेडेशन किया जाए, और मेडिकल कॉलेज की जो तामीर न हो रही है उसमें जो काम है उसकी रफ्तार को बढ़ाया जाए, और इसके साथ साथ जो वहाँ पर JKPCC अपना काम कर रही है उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। कहीं पर हमें लग रहा है कि काम उस रफ्तार से नहीं हो रहा है और उसका स्टैंडर्ड वो नहीं है जो होना चाहिए। इस सिलसिले में हमारा मुतालबा है कि जो ज़िला इंतज़ामिया है, डिजिटल इंतज़ामिया है, जो हेल्थ के अथॉरिटीज़ हैं वो इस पर देख ले कि उन्हें क्या करना, इसमें कितना और मजीद करने की ज़रूरत है। हमारे जो यहाँ पर और भी ब्लॉक्स हैं, मेडिकल ब्लॉक्स, उनमें आज कई एक ब्लॉक्स हेडलेस हैं, जहाँ पर मुलाजिमों को भी मुश्किल है, आवाम को भी मुश्किल है। चाहे वो शीरी ब्लॉक है, सोपोर की हालत देख लीजिए आप, रोज़ रोज़ वहाँ के लोग रोना रो रहे हैं। जो वहाँ का SDH हॉस्पिटल है वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है जिनसे लोगों को और ज़्यादा फ़ायदे पहुँचते। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि वो आवाम की उमंगों को देख ले, आवाम के जो मुश्किल हैं उन पर नज़र रखे, और जितने भी हमारे मसाइल हैं उनकी तरफ वो खुली आँख से देख लें। देता हूँ, आप देखिए इस टाइम जो महामारी में सब ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, अदर सब घर में बैठे हुए हैं, कोई किसी के पास ऐसा भी नहीं कि उसको कोई इस वक्त शॉपकीपर भी 10 रुपये का कोई ऐसा चीज़ दे, वो भी फ्री। फिलहाल जब तक लॉर्ड कुछ ऐसा देता था उसको, मतलब उधार देता था, नहीं दे रहा, उसको पता इसके पास है ही कुछ नहीं, क्योंकि 2016 से ट्रांसपोर्ट बैठा हुआ है। आज जो हमें एक ऑर्डर मिला कि नहीं हम रिलीफ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं हमें दिखाएं, हम स्टेक होल्डर्स हैं। 2020 में भी नहीं मिला है, आज भी नहीं मिला, हाँ मिला है। अब क्या इसमें क्या गाइड, उन्होंने किया कि एक उन्होंने एक उसमें शर्त रखी है कि इंश्योरेंस होना चाहिए। ये इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस प्राइवेट कंपनी को जाता है, मालिक को खुद जो सेफ्टी है वो मालिक को मिल रही है, क्योंकि उसको इंश्योरेंस गाड़ी को, जब 2016 से गाड़ियाँ बैठी हुई हैं, इंश्योरेंस का फ़ायदा क्या है? जो अभी हम 1-1 लाख रुपए इंश्योरेंस कर रहे हैं वो कहाँ जाता है, किसका, हमें कौन सा फ़ायदा उससे मिलता है? और देखिए एक और बात, ज़रूरी बात जो अब तक मैं पहुँच आपके वसादत से आगे भी पहुँचाना चाहता हूँ। अब अगर हम इंश्योरेंस करते हैं 1 लाख का, उसके साथ साथ देखा जा रहा है इसका डॉक्यूमेंट सही है, अगर डॉक्यूमेंट सही है इंश्योरेंस वाले, अगर वो प्राइवेट कंपनी है, गाँव जो जो हमारे बाकी डॉक्यूमेंट्स है, फिटनेस है या बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, अगर हमें वो चीज़ें करनी है तो ठीक है हम करते, चलो लोड कम पड़ता है, लेकिन आप देखिए हमें इंश्योरेंस करना पड़ता है जो 1.25 लाख है, उसके साथ साथ कहा गया उसके बाद आपको 5,000 रुपये मिलेंगे। ये सेंस है, ये पॉलिसी है, कहाँ है पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी है, कहाँ शुरू हुई है पॉलिसी, किसने बनाई है हमें भी बताइए, हमें पता नहीं है। हम 2014 से इस चला रहे हैं नॉर्थ कश्मीर, मुझे इस चीज़ का पता नहीं है ये पॉलिसी बनी कहाँ से कि पहले आप इंश्योरेंस कीजिए। अगर इंश्योरेंस है, अगर उसमें पॉलिसी नंबर है, अगर वो सही है तो फिर उनको 5,000 रुपये मिलेगा। आप ही बताइए 75,000 का, आप जितने भी यहाँ जो हमें 75,000 का मुझे पहले इंश्योरेंस करना है वो पहले करूँ, या गवर्नमेंट से पहले भीग के वो 5,000 ले लूँ जो मालिक खाएगा? अब देखिए मालिक के साथ साथ इसके साथ दो और हैं, कंडक्टर्स एंड ड्राइवर्स, उनके लिए क्या है? वो तो घर में बैठे हैं, उनके लिए कोई पैकेज है क्या, या उनको भी शर्त रखी गई है? नहीं जी, अब आप भी अपना इंश्योरेंस करें, खुद का इंश्योरेंस, तब जाके हम देंगे। यह आपकी वसादत से मैं कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहता हूँ, ये जो पॉलिसी है दैट्स टोटली फेलियर, बिल्कुल इस चीज़ का फेलियर है। ये गलत है कि आप ऑर्डर निकाल रहे हो कि इंश्योरेंस कीजिए, और फिर देना है गाड़ी नंबर है, डॉक्यूमेंट्स है, देखिए किस से एक बार LG साहब से, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को एक बार फिर से LG साहब से ये कह रहे हैं कि आप देखिए ट्रांसपोर्टरों के साथ हो। दूसरा बात, जो ये पैकेज है ये बंद कीजिए, ये प्रैक्टिस बंद कीजिए, या तो दीजिए सीधा कि नहीं उनके अकाउंटों में डालिए, और उनके कोई शर्त मत रखिए, अगर शर्त रखनी है इंश्योरेंस डालो, हम कहाँ से करें? ये सबसे मोटी बात जो आपके वसात से मैं कहना, और इस बार आप बार बार उठाए ये बात, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारा जाती है। अभी एक यहाँ पर एक अभी मैंने सुना उस जो ट्रांसपोर्टर का, उसकी हालत क्या है, सारे ट्रांसपोर्टर मर चुके हैं, हर एक के घर में इस वक्त दाना भी नहीं है, कुछ दिया नहीं जाता, आश्वासन दिया जाता है। बाकी वसीम Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th, 12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622-888-333, 9469-888-333.